नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद औषधि ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में जो मिथ्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिथ नंबर एक, आयुर्वेदिक औषधियों या दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि किसी औषधि का प्रभाव है तो उसका दुष्प्रभाव भी होता ही है यदि हम किसी डॉक्टरी सलाह के बगैर उसे ले लें, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में प्रत्येक औषधि की मात्रा का निर्धारण रोगी की प्रकृति, उसकी रोग की अवस्था, उसकी जठराग्नि एवं किस ऋतु में वह औषधि दी जा रही, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। अतः सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य से परामर्श करके ही औषधि लेना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से हो सकता है। मिथ नंबर दो, आयुर्वेद की दवाइयों का कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है, यह जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होती जाती हैं। यह बात कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे रस भस्म हैं, परपटी हैं या फिर आसव आरिष्ट हैं, इन औषधियों के लिए तो सत्य है, परंतु आयुर्वेदिक चूर्ण, आयुर्वेदिक वटी, टैबलेट, कैप्सूल, इन सभी के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि इन सभी की एक निश्चित एक्सपायरी डेट होती है, जैसे 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। अतः एक्सपायरी डेट देखकर ही हमें आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना चाहिए। अतः एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ वह हेल्थ बेनिफिट नहीं दे पाएंगी जो आप चाहते हैं। अतः नेक्स्ट टाइम जब भी आप दवा लें एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। तीसरा मिथ, आयुर्वेदिक दवाइयों का असर बहुत धीमे धीमे होता है, काफ़ी धीमे असर करती हैं ये दवाइयाँ। दोस्तों, ये बात भी बहुत हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी दवा हैं जिनका असर काफ़ी तेज़ी से होता है, जैसे कि सिद्ध मकरध्वज है, रसराज रस है, जयपाल रस है, ऐसी ही अनेक औषधियां हैं जिनका असर बहुत तीव्रता से होता है। इसका कारण ये है, ज़्यादातर मरीज पहले अन्य चिकित्सा पद्धतियों से ट्रीटमेंट लेते हैं, सीधे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। जब वह ट्रीटमेंट प्रभावी नहीं होता है तो रोगी आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने का निर्णय करता है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। फिर भी आयुर्वेद चिकित्सा प्रारंभ करने के पश्चात उसे स्वास्थ्य लाभ मिलने में कुछ समय लग ही जाता है, और लोगों की ये धारणा बन जाती है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति देरी से असर करती है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि रोगी रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श ले तो निश्चित रूप से ही उसे स्वास्थ्य लाभ होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में 3 मिथ्स के बारे में जाना। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दें। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें।